हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से कौस्तुभपुरा क्रिकेट अकादमी चैनल में। मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मैं फिटनेस कोच हूँ। आज का वीडियो हमारा स्ट्रेंथेज रहने वाला है, जिसमें आपको हिप एंड नी डोमिनेंट मूवमेंट्स में बताने वाला हूँ, जो कि फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये सब मूवमेंट्स आपके बॉडी वेट्स रहेंगे, तो आपको कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो इफ यू अगर आपको लेग पावर इंक्रीज करना है आपके बॉलिंग में, आपको लोअर बॉडी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं सर। और हम जैसे चेयर पे बैठते हैं, ये आपको सेट डाउन एंड गेट अप। रिमेम्बर, ये आपके बिगनर्स के लिए है। अगर आपने कभी नहीं किया है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी चेयर या स्टूल लेके उस पर कीजिए। फिफ्टीन टू ट्वेंटी रेपिटेशन कीजिए, और जब तक आप मूवमेंट्स अडाप्ट नहीं कर लेते तब तक आपको ये करना है। मिनिमम 8 टू 10 सेशंस आप ये कीजिए। वंस यू आर अडाप्ट टू द मूवमेंट, आप ये स्टूल हटा दीजिए एंड ट्राई टू डू विदाउट स्टूल और चेयर लाइक दिस। और आप अगर एडवांस है या फिर ये इससे भी आपको चैलेंज नहीं मिल रहा है, तो फिर और चैलेंज इंक्रीज करने के लिए आपको मैं ये स्क्वाट जंप्स करना बताऊंगा। तो इन द लाइन एंड तो ये आपको, अगर आप एडवांस है आपको चैलेंज मोर चाहिए, तो फिर आप स्क्वाट जंप कर सकते हैं, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स के लिए। तो सेकेंड नी मूवमेंट रहेगा आपका स्प्लिट स्क्वाट्स फॉर द बिगनर्स, जो कि नए हैं उनके लिए। तो आपको ज़्यादा वाइड डिस्टेंस नहीं लेना है और ज़्यादा शॉर्ट भी डिस्टेंस नहीं लेना है। इट शुड बी ऑन योर कम्फर्ट जोन एंड चेस्ट आउट और ऊपर आके ये नी पूरा लॉक नहीं करना है। इट शुड बी सॉफ्ट एंड साइड। सेम अदर लेग के साइड भी करना है। रिमेम्बर, ये करते टाइम आपका पूरा बॉडी वेट फ्रंट लेग पे रहेगा, बैक लेग पे नहीं रहेगा। और इसमें अगर आपको और चैलेंज इंक्रीज करना है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बलेरियन स्क्वाट्स कीजिए, जो कि आपको एक दिस इज वेरी मच हाइट, आप इससे थोड़ा छोटा हाइट भी ले सकते हैं, बट मेरे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको स्टूल पे बताऊंगा। तो आपको प्लेस करना है पीछे वाला लेग, आपका पूरा बॉडी वेट आगे वाले लेग पे रहेगा एंड रिमेम्बर, जितना रेंज आपका नीचे रहेगा इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सेम विद द अदर लेग आल्सो। एंड फॉर द एडवांस वन, वंस यू आर अडाप्टेड द मूवमेंट, अगर ये आप मूवमेंट से अडाप्ट हो गए और आपको चैलेंजिंग करना है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा दिस रिवर्स एंड फॉरवर्ड लंजेस। तो इट शुड बी सेम विद द अदर साइड ऑल्सो। तो ये मैंने आपको जो मूवमेंट्स बताए हैं, ये आपके नी डोमिनेंट मूवमेंट है और आपके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है इफ अगर आप एक फास्ट बॉलर हैं और आपको लेग पावर इंक्रीज करनी है। सो अभी हम हिप डोमिनेंट मूवमेंट करेंगे। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे हिप रेजेस से, जो कि आप फ्लोर पे लेट जाइए एंड
रिमेम्बर आपके एंकल और हिप में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी 90 डिग्री, एंड ऊपर आके आपको ग्लूट स्क्वीज कर। रिमेम्बर आपको ये बैक आर्च नहीं करना है, आपको ऊपर आके ग्लूट स्क्वीज करने है। अभी इसमें आपको और चैलेंज इंक्रीज करना है तो फिर आप इसको सिंगल लेग कर सकते हैं। सेम विद द अदर साइड। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पहले आप हिप रेजेस कीजिए, वंस यू आर अडॉप्ट विद द मोमेंट, अगर आपको वो चैलेंजिंग नहीं लगता है तो फिर आप मूव कीजिए सिंगल लेग हिप रेजेस पे, और फिर आपको वंस सिंगल लेग हिप रेजेस भी आपको इजी लगने लगे या फिर आप उस पर प्रोग्रेस कर चुके हो तो फिर आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा या कोई भी हाइटेड प्लेस पे आ जाइए, बैक को रेस्ट पोजिशन पे, एंड लाइक अ हिप थ्रस्ट यू हैव टू डू वेट्स, हम हिप थ्रस्ट ऐसे ही करते हैं। अगर आपके घर में इक्विपमेंट्स हैं तो फिर आप इधर वेट्स ऐड कर सकते हैं जिसका आपको स्ट्रेंथ बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, नहीं है तो फिर मैं यही कहूँगा स्लोली डाउन, एक्सप्लोसिव ऊपर आके ग्लूट स्क्वीज कीजिए, फिर स्लोली डाउन ऊपर आके एक्सप्लोसिव ग्लूट स्क्वीज कीजिए। एंड द सेकेंड वन इज डेडलिफ्ट। मेरे पास ये एक रॉड है जो कि मैं क्लोज टू द बॉडी में सजेस्ट करूंगा होल्ड करना, एंड रिमेम्बर आपको हिप्स को पीछे लेके जाना है ना कि आपका नीज आके जाएगा, तो इट्स लाइक दिस, हिप पीछे गया एंड आपका चेस्ट आउट रहेगा, ऑटोमेटिक आपका शोल्डर ड्रॉप होगा, राइट एंड अप। इट्स लाइक पीछे मेरे कोई ऑब्जेक्ट है और मुझे उसको हिप से टच करना है, तो हिप बहुत लोग क्या करते हैं, हिप पीछे ले जाते हैं, दे गो लाइक अ स्कॉच। नहीं, हमको स्कॉच की तरह नहीं जाना है, हमको अपने हैमस्ट्रिंग्स को पूरा स्ट्रेच करना है लाइक दिस। थ्री फोर फाइव। Once you are adapt with the movement, आप weights increase कर सकते हैं। मेरे पास अभी weights नहीं है तो फिर आप resistance band के साथ भी कर सकते हैं with the same movements. Once you are progress with the deadlift, तो this for the single leg जो आपका आगे वाले dominant leg है उस पर it's उससे आपका पूरा power use होगा। It's like same movement है, खाली आपका ये पीछे वाला leg आपका खाली support के लिए रहेगा, remember आपका पूरा बॉडी वेट ये लेग पे रहेगा, सेम हिप पीछे लेके जाना है, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है एंड अप, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच एंड अप। रिमेंबर आपके हाथ में जो भी वेट है वो आपको लोअर बॉडी से लिफ्ट करना है ना कि अपर बॉडी से। बहुत लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हैं एंड वो लोग बैक से लिफ्ट करने का ट्राई करते हैं, नो, बैक इज वर्किंग एज अ स्टेबिलाईजर, बैक आपका स्टेबिलाईज वर्क कर रहा है जो कि आपको स्पाइन को न्यूट्रल हेल्प रखेगा वर्क करने में, बट सो इसलिए आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना है पूरा लाइक लेके गए पीछे एंड ये पोजीशन पे है, ऊपर आते टाइम आपको फ्लोर को अपने फीट से प्रेस करना है एंड अप, स्क्वीज योर ग्लूट्स। ये जो मोमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आप अपने वर्कआउट में डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं एट दिस टाइम लॉकडाउन पीरियड टाइम, जब भी आपके जिम्स वगैरह बंद है तो डेफिनेटली आप ये बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली फॉर द मीडियम प्लेसेस आई एम ट्राइंग टू से कि आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और लास्ट में वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ चार्ट दूंगा जिससे आप अपना वर्कआउट प्लान कर सकते हैं, लाइक एक बेसिक वर्कआउट प्लान मैं आपको दे दूंगा ये एक्सरसाइजेस के साथ जो कि आप प्लान कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर। थैंक यू।